कटनी जिले के रीठी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत परोहा पिपरिया में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गरीबों के मकान नहीं जबकि अपात्रों के भवन खड़े हो गए। यहां पर सरपंच और सचिव भगवान बन गए हैं। जहां सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों की जगह सरपंच सचिव के करीबियों को मिलता है जो कि उन्हें चढ़ोतरी चढ़ाते हैं, उन्हीं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और जो चढ़ावा नहीं चढ़ाते तो केवल पंचायतों के चक्कर लगाते रहते हैं। गांव में हैंडपंप है लेकिन पानी नहीं है। नाम के लिए पूरे गांव में झाड़ू लग रही है लेकिन गंदगी चारों तरफ नजर आ रही है। नालियों में सफाई नहीं होती लेकिन कागजों में सफाई के बिल लगे नजर आते हैं। एक महिला ने बताया कि उसके पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब से लेकर सरपंच और सचिव के चक्कर काट रही हूँ, ना ही गरीबी रेखा का कार्ड है और ना ही शासन की किसी योजना का लाभ मिला। मजदूरी करके जैसे तैसे पेट पालने को मजबूर हैं, घर भी गिरने की कगार में है। हमारा बेचने गए रहे, हमारे आदमी को हार्ट अटैक आ गया खेतावला में, तो खत्म हो गए अचानक और हमारी सुनाई कुछ नहीं है, ना हमारे पास राशन कार्ड है ना कुछ का है, मजदूरी है करते खाते हैं। और जिसके 50-50 एकड़ है उसका कार्ड भी बना, हमारा कुछ काम नहीं हुआ। और हम सचिव पास गए तो बोलते हैं तुम्हारा काम कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सुनाई ना होगा, और 5,000 जो मिलता है अग्नि संस्कार को तो कुछ नहीं मिला, हमको कोई सहायता नहीं मिली यहाँ से। अब बताओ हम आगे क्या करें। अच्छा से है यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है पानी के लिए, अच्छा नल नहीं चलता है ना, पानी नहीं करता है, पूरा गांव यहाँ भरता है, घर में पानी भर जाता है, नल का कोई उगाड़ता नहीं है और कोई ना साफ करता है, वो पूरी गंदगी है। सरपंच भी कोई ध्यान नहीं देता ऐसा बोलो ना, यहाँ सरपंच भी नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता, ना सचो ना सरपंच देता, कोई नहीं देता साथ। नल में मान लिया पानी बजा निकला था मारी में और फिर हचका मारा था, एकदम से चढ़ा था, हाथ कर दिए। समस्या ऐसे नहीं कि हमको मकान चाहना है, हमको कांस की मड़ैया में रहते हैं, मकान नहीं है, हमको जरूरी है। सचिव सरपंच के पास गए? अरे सचिव सरपंच कुछ नहीं करते हैं। परोहा की रहने वाली हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है, मैं यहाँ इतनी मुसीबत में हूँ, मेरा घर मकान गिर रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, ना सचिव सुन रहे हैं ना कोई सुन रहा है, बताओ हमारा मकान गिर जाएगा, बच्चों के ऊपर हम कहाँ रहेंगे।